Welcome back guys, time for super duper extreme mega battery drain test and the charging test. लेटेस्ट फोन जब भी आता है तो उसको जरूर होता है कंपेयर करना अदर फोन से. आज का जो हॉटस्पॉट वाला फोन है वो है OnePlus Nord CE4. देखो अलग क्या है, सभी फोन्स में आपको यहाँ पे मिलती 5000 mAh की बैटरी, नाम तो आपको पता ही होगा. आई को जेटना रेडमी ट्वेल्व प्लस नाजो 70 प्रो नथिंग फोन टू पोको X6 प्रो एंड दी OnePlus Nord CE4. चार्जिंग की बात करें यहाँ पे आपको मिलता है 100 वाट, बाकी सब में थोड़ा सा कम मिलता है. सो कितना डिफरेंस पड़ेगा उससे वो भी हम फाइंड आउट करते हैं. और गाइस आज मैंने ना एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं है, वो देखना कंपनी का काम है, हमारा देखना वो काम नहीं. हमने फ़ोन परचेस किया, हमें बस ये जानना है कि कितनी जल्दी चार्ज होता है और कितनी जल्दी ये डिस्चार्ज होता है. टेस्ट को स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहले यहाँ पे हम 1 घंटे का बेसिक सा रील वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप नाश्ते के वक्त बहुत सारे रील्स चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वाइट शॉर्ट्स में, तो क्या होता है. वैसे ये एकदम बेसिक सा काम है एंड ऑफ कोर्स सभी फ़ोन में चूँकि हाई रिफ्रेश रेट 120 तक तो हाई है, सभी हमने हाई पे रख रखे हैं, तो सारे एप्लीकेशन आपको नियरली सेम तरह का बैटरी ड्रेन टेस्ट यहाँ पे दिखाएंगे. जो हमने नोटिस किया वो ये नोटिस किया कि सभी फ़ोन्स में 5-6% का बैटरी ड्रेन हुआ है, एक्सेप्ट इस वाले फ़ोन में, बिकॉज यहाँ पे ये ओनली फ़ोन है जो 6 नैनोमीटर की CPU स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि जितना बड़ा होता आप जानते हो CPU उतना पावर एफिशिएंट नहीं होता है. ये मुझे एक रीज़न लगा. नेक्स्ट टास्क, अगर आप चैटिंग करते हैं तो हमने एक कॉमन एप्लीकेशन दे रखा है ChatGPT, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये माई कंडीशन ये थी कि कोई भी हम मीडिया प्ले नहीं करें, कोई वीडियो नहीं प्ले हो रहा है, स्पीकर नहीं प्ले हो रहा है, जस्ट स्क्रीन ऑन है और वहाँ पे आप रैंडमली कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं. तो 1 आवर के इस स्टैंडर्ड यूजुअल ChatGPT में सभी फोन्स में नियरली 8-10% का बैटरी ड्रेन दिखाई पड़ा, जो कि एक्सपेक्टेड है. किसी फोन में ब्राइटनेस ज़्यादा भी है तो वहाँ पे आप 10 मान लो, किसी में कम है तो वहाँ पे आप 8 मान सकते हो, बस हाँ एवरेज 9% का सब में आपको मिलेगा. थोड़ा सा प्रो टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम नाश्ता पानी कर लिया और आप थोड़े से गेमिंग वाला काम ज़्यादा करते हैं. 1 घंटे की हमने BGMI टेस्ट परफॉर्म की, खेला नहीं है, चला के छोड़ दिया है, तो ये मिनिमल है. आपके फ़ोन में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है. यहाँ पे देखो 2 फोन में हमें थोड़ा सा अलग से रिजल्ट मिला, एक है Realme 12 Pro में और दूसरा है Nothing Phone 2A में. सबसे कम ड्रेन टेस्ट जो मुझे नोटिस हो रहा है वो हो रहा है Nothing Phone 2A में. एक रीज़न मुझे ये लगता है कि जो इसमें जो CPU दिया गया है Dimensity 7200, वो जब दूसरी कंपनियां यूज़ कर रही ना तो आई थिंक वो फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर रही हैं. यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ खेल किया गया है, फुल पावर कंपनी नहीं यूज़ कर रही है, शायद बैटरी सेफ निकली इसलिए थोड़ा सा लैग एक्सपीरियंस मिलता है. रियलमी में गए सबसे ज़्यादा ड्रेन इसलिए नोटिस हो रहा है बिकॉज यहाँ पर जो CPU यूज़ किया गया है वो सैमसंग मैन्युफैक्चर्ड है और आपको पता है उसकी कहानी क्या होती जब सैमसंग कहीं भी हाथ डाल देती है. अदर देन दैट सभी फ़ोन में आपको नियरली 13-15% का बैटरी ड्रेन नोटिस होगा. रियलमी में सबसे ज़्यादा है 17% और नथिंग में सबसे कम है 11%. अगेन एक छोटा सा स्पीकर टेस्ट परफॉर्म कर ले, तो यहाँ पे हमने यूट्यूब म्यूजिक प्ले किया फॉर दी 1 आवर और यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि क्या निकलता है. रिजल्ट अगेन इक्वलिंग है बिकॉज स्क्रीन नियरली स्टैटिक रहती है म्यूजिक के केस में और स्पीकर का वेरिएशन हो सकता है, फिर भी 5-8% का हमें सब में मिला, यानी कि जिनके स्पीकर ज़्यादा लाउड है, स्क्रीन ज़्यादा शार्प है तो वो 8 पे जा सकते हैं, जो बेसिक वाले हैं वो आपके 5 पे जाते हैं. वैसे सारे फ़ोन में यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स हैं बट क्वालिटी मैटर करती है इसलिए बैटरी ड्रेन भी मैटर करता है. इस बारी मैं आपको गाइस ये नहीं बता रहा हूँ कि इस फोन में कितना परसेंटेज बचा है, क्या बचा है, वो नहीं कहना. इस बार हम फैक्चुअल रिसर्च पे ज़्यादा रहे, लास्ट में बस देखना है कि विनर कौन है. अब यहाँ पे अगेन एक बहुत पुराना मिथ आप कह सकते हो या फैक्ट भी कह सकते हो, दोनों कह लो, कुछ लोग भरोसा करते हैं कुछ नहीं भरोसा करते हैं. स्नैपड्रैगन के फ़ोन ऐसा कहा जाता है कि जनरली बैटरी के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं और डेमेंसिटी के नहीं होते हैं. तो यहाँ पे से 2 ही फ़ोन स्नैपड्रैगन के हैं, OnePlus एंड Realme. तो अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि OnePlus एंड Realme में बैटरी ड्रेन सबसे कम हुआ है, बाकी सारे फ़ोन में नियरली आप थोड़ा ज़्यादा मान सकते हो. अगेन एक जन ये भी मुझे लगता है क्योंकि इन दोनों फ़ोन में स्क्रीन की ब्राइटनेस सबसे कम है 950 वर्सेस 1100, तो इसलिए भी शायद यहाँ पे बैटरी ड्रेन थोड़ा सा कम नज़र आया है.
4K HDR का वीडियो हमने सभी फ़ोन में प्ले किया। अब चूँकि HDR इन्वॉल्व हो जाता है और स्क्रीन इन्वॉल्व होती है, स्पीकर भी इन्वॉल्व होता है, सारे सेटअप ने आपको पहले बता दिया, तो यहाँ पे क्या कहानी है। देखो, सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा। एक फ़ोन में बैटरी ड्रेन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नोटिस हो रही होगी, वो है पोको X6 Pro। रीज़न यहाँ पे यही है कि चूँकि ये 1.5K रिजोल्यूशन का डिस्प्ले है, दैट्स वाई थोड़ी सी बैटरी ड्रेन आपको ज़्यादा नज़र आएगी। सारे फोन्स नियरली 13-15% के बीच में हैं, यही वो फ़ोन है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 19% का बैटरी ड्रेन टेस्ट दिखाई पड़ेगा, है ना। देखो कमाल की बात, जितना बढ़िया स्क्रीन लेंगे थोड़ा उसका आपको कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ सकते हैं। HDR प्लेबैक तो आपने देख लिया, अब थोड़ी सी लाइट गेमिंग भी कर लेते हैं। यानी एक घंटे हमने यहाँ पे टेम्पल रन प्ले किया जिसमें बहुत ज़्यादा GPU नहीं यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। Realme 12 Pro में अगेन थोड़ा सा अनयूजुअल इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि मैं हैवी गेमिंग में नज़र आया था। Realme 12 Pro में बैटरी ड्रेन सबसे ज़्यादा हुआ है और ये ऑलमोस्ट 15% की बैटरी ये कंज्यूम कर चुका है, जबकि बाकी सारे फ़ोन जितने यहाँ पे हैं उनमें 7-10% का बैटरी ड्रेन हुआ है। तो अगर आप गेमिंग वाला काम करते हैं, जैसे आपने हैवी गेमिंग देखा था, लाइट गेमिंग देखा था, Realme का ये फ़ोन चाहे आप 12 Pro लें या आप 12 Pro Plus पे जाएं, बिकॉज आपने पिछली बार 12 Pro Plus में देखा था तो वहाँ पे हिसाब थोड़ा अच्छा नहीं बैठता है। उन भाई बहन बंधुओं के लिए जो ब्राउजिंग ज़्यादा करते हैं, यानी कि PDF ज़्यादा ओपन करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, उसमें बहुत आपका GIF फोटोज़ वीडियोज़ एंड टेक्स्ट सब कुछ एक साथ आया था ब्राउजिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है। तो हाफ एन आवर का हमने यहाँ पे ऑटो ब्राउजिंग टेस्ट परफॉर्म किया है, लेट्स सी क्या होता है। एक फ़ोन थोड़ा सा अनयूजुअल रिजल्ट दे रहा है, वो है गाइस Realme 12 Pro Plus। अदर देन दैट सारे फ़ोन में नियरली आपको 6-8% का बैटरी ड्रेन नज़र आएगा। एट द लास्ट गाइस फाइनल टेस्ट पे आ चुके हैं, किस फ़ोन में कितनी बैटरी बची है आप देख सकते हैं। सबसे कम में यहाँ पर Realme और सबसे ज़्यादा नथिंग फोन 2A, क्या बात है। चलिए लास्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके का आप GPU टेस्ट मान सकते हैं, CPU टेस्ट भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा हैवीली यूज़ होता हो। Realme फाइनली डेड हो चुका है, थोड़े देर में ही 5% बैटरी इसकी गुम हो चुकी है। उसके बाद पोको X6 Pro भी डेड हो चुका है और लगता है अब आ रही आगे Realme के नाम जो 70 Pro की। वैसे चल तो काफ़ी सही रहा है, सरप्राइज की नहीं गाइस, नथिंग फोन 2A तो बाजी मार रहा है। इसका रीज़न मैंने आपको पहले बताया था कि शायद थोड़ा सा ना अंडर क्लॉक पे किया गया है। Nord C4 में जैसा एक्सपेक्टेशन था कि 5500 mAh की बैटरी है, क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लग तो नहीं रहा है। देख के नेक्स्ट फोन जो आई थिंक डाउन होने वाला है वो है Realme के नाम जो 70 Pro 2% IQ Z9, इसके काफ़ी क्लोज चल रहा है। और ये गया अपना नार्जो 70 Pro डेड। तीन फोन जा चुके हैं, तीन फोन बचे हैं, IQ Z9 भी जाने वाला है और ये भी ऑलमोस्ट गया। दो फोन बचे हैं, OnePlus Nord C4 एंड दी नथिंग फोन 2A। बाजी की इस फोन ने मारी आपको ऑलरेडी दिख चुका है, लेकिन फिर भी डिफरेंस बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखा, इसलिए मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं कि बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो क्या उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा 500 mAh ने ज़्यादा यहाँ पे हेल्प आपको नहीं किया है। नथिंग फोन 2A ने थोड़ी स्मार्टनेस कही, मुझे लगता है CPU थोड़ा सा उन्होंने कुछ ट्यून किया है, ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस ना मिले लेकिन बैटरी बहुत सही चले। तो अगर ये डिपेंड्स ऑन यूसेज पड़ता है, अगर आपने कोई ऐसा टास्क नहीं किया जैसे कि हैवी गेमिंग हैवी CPU वाला, तो हो सकता है आपका माइलेज वेरी कर सकता है। एट द लास्ट 3% 5% डिफरेंस घटता जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि कहीं नथिंग फोन 2A पहले गुम हो जाए और Nord C4 निकल जाए। देखते हैं गाइस आगे क्या होता है, रियली एक्साइटिंग। Nord C4 2% और ऑलमोस्ट 1%, अब तो लगता है नथिंग फोन 2A ही जीतने वाला है। गया विनर है नथिंग फोन 2A, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंप्लीट ड्रेन टेस्ट वैसे हमने देख लिया, अब देखते हैं किस फोन में एग्जैक्टली कितना बैकअप मिला, नंबर निकल के क्या आया। सबसे लीस्ट बैकअप फोन जो दिखाई पड़ रहा है वो है 7 hours and 2 minutes पे Realme 12 Pro। Pro Plus के साथ भी आई थिंक कुछ ऐसी ही कहानी थी। तो ये फ़ोन आपको वैसे तो अच्छा बैकअप दे रहा है, 7 hours+ है, लेकिन हमारे अदर फोन्स की तुलना में थोड़ा सा कम बैकअप मिला है। उसके ऊपर के फ़ोन थोड़े थोड़े क्लोज में ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 7 hours के 4 फोन हैं, 8 घंटे+ के गाइस जस्ट 2 फोन हैं, आप समझ होंगे कौन से हैं।
नथिंग मोर टू एंड द नॉट सी फोर सबसे टॉप पे आता है 8 hours 8 minutes पे नथिंग फोन 2A और फॉलोड बाई है यहाँ पे वन प्लस नॉट सी फोर विद 7 8 hours and 3 minutes। बैटरी ड्रेन टेस्ट हो गया, सबने देख लिया। क्विकली मैं आपको बैटरी चार्जिंग टेस्ट भी दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो ऐसे कोई एनालिसिस तो है नहीं, जस्ट यहाँ पे यह देखना है कि आपने ऑफिशियल चार्जर यूज़ किया और वो फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है। बॉक्स लिया है, फ़ोन का चार्जर मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप वही यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ 0 to 100% में मुझे कितना कितना टाइम मिला और आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन जो मुझे मिला है यहाँ पे चार्ज करते वक्त वो है वन प्लस नॉट सी फोर। इन जस्ट 32 to 33 minutes में आप कंप्लीट डेड फोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप 1% से स्टार्ट करेंगे ना तो ये लगभग 30 minutes लगता है डेड फोन चार्ज करने में, 2% लग जाता है। रियली फास्ट चार्जिंग। तो आई थिंक विनर यहाँ पे जो है आप नथिंग के बजाय इसको दे सकते हैं, बिकॉज बॉक्स में चार्जर भी है, जस्ट 5 minutes का फर्क पड़ा है। आई थिंक इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो विनर आप इसको जोड़ सकते हैं ओवरऑल रादर देन नथिंग फोन 2A के। उसके बाद जो आपको सेकंड नंबर पे मिल रहा है वो है रियलमी का नार्जो 70 Pro। 48 minutes में आप फुल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको ये बताना भूल ही गया, यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी थी, तो वो बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉलोड बाई यहाँ पे जो नेक्स्ट फ़ोन है पोको X6 Pro, 57 minutes लगे इस फ़ोन को 0 to 100% पहुँचने में। देन 1 hour and 8 minutes लगा है नथिंग फोन 2A में, हमने ऑफिशियल चार्जर नहीं यूज़ किया है बल्कि 45 वाट पावर डिलीवरी का चार्जर यूज़ किया है, तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। इसका चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू वन प्लस नॉट सी फोर के, तैसे मैंने उसको विनर कहा था। और दो फोन लास्ट में बचते हैं, रियलमी 12 Pro एंड दी आईको Z9। उन दोनों फोन आपको एग्जैक्टली नियरली सेम टाइम मिलेगा, 1 hour 16 minutes में आप फुल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो यह गाइज ये रहा आज का एक्सट्रीम मेगा ड्रेन टेस्ट फॉलोड बाई अ लिटिल चार्जिंग टेस्ट। लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमेंट्स एंड फीडबैक है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट फोन हम कौन सा कंसिडर करें वो भी आप जरूर बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।